अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान के बाद राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी सहित प्रमुख मंदिरों में की पूजा अर्चना। आगरा में ग्लैस फेमस फीड का हुआ आगाज, नए दौर के डिजाइनों के साथ होगा मंथन, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मॉडल 80 फुट रिम पर मॉडल्स करेंगे परफॉर्म्स। ग्लैम फैशन फीड का ग्रैंड फिनाले 18 जुलाई को होटल क्लार्क सिवराज में होगा। सिद्धार्थनगर में क्रेन की चपेट में आने से 8 वर्षीय बालक की मौत, बालक साइकिल से जा रहा था, क्रेन की चपेट में आने से मौत, क्रेन व चालक को पकड़ शव को पीएम भेजा गया, पुलिस जांच में जुटी। बरेली में आईआईटी की पढ़ाई में जेईई मेंस में मिठाई विक्रेता के बेटे ने पाई सफलता, अब जेईई एडवांस की तैयारी में जुटेंगे सदर बाजार के सात्विक मिश्र। बरेली में पीलीभीत बाईपास पर यूनिवर्सिटी के पास हुआ भीषण एक्सीडेंट, सफारी और ट्रक की हुई भीषण भिड़ंत, सफारी में 2 व्यक्ति हुए घायल, एक व्यक्ति की हालत गंभीर। बरेली में हिंदू युवा वाहिनी ने कांवड़ियों को लेकर धार्मिक स्थलों के आसपास टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की मांग की, मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे को दिया ज्ञापन। बरेली में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, पुलिस ने कई लोग को लिया हिरासत में, अज्ञात हमलावरों ने युवक की ईंट से की हत्या। बरेली में भाई बना भाई की जान का दुश्मन, बड़े भाई ने छोटे भाई की कर दी हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या आरोपी को लिया हिरासत में। बरेली में महाकाल उज्जैन के लिए 280 कांवड़ियों का जत्था रवाना, फतेहगंज कस्बा वासियों एवं बरेली मेयर उमेश गौतम ने सभी कांवड़ियों का किया स्वागत। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।